पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरु राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। बोलिए बजरंग बली भगवान की। मंगल का दिन हनुमान का, मंगल का दिन हनुमान का, सब संकट मिट जाते। वीर बली बजरंग बली की पावन कथा सुनाते, वीर बली बजरंग बली की पावन गाथा गाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। श्री बजरंग बली भगवान की जन्म कथा अत्यंत पावन है भक्तों। एक यक्ष को जब श्राप मिला तब वे केसरी बने और उनकी प्रेयसी अंजनी बनी। दोनों अपना राज्य करते थे परंतु संतान नहीं थी। अंजना ने भगवान शिव की अनन्य भक्ति से एक चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त किया। एक यक्ष को श्राप मिला था वही केसरी बन कर आए, फिर श्रापित प्रेयसी भी वही अंजना कहलाए। फिर स्वर्ण गिरी पर्वत पर वो आनंद से रहते थे, अपने प्रांत का शासन वो शांति से करते थे। लेते रहते नाम निरंतर भूले न मात भवानी, झोली में एक लल्ला दे दो यही कामना मांगी। प्रसव पीड़ा हुई अंजना ने जन्मा था लल्ला, यही काल बने असुरों का इसी बात का हल्ला। चंद्रमा सा बढ़ता बालक उस पर जान लुटाते, पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। बजरंग बली भगवान बालापन से ही अत्यंत बलवान थे भक्तों। एक बार जब उनकी निद्रा खुली माता को कहीं नहीं पाया, भूख लगी बाहर देखा तो उगते सूर्य को फल जान उन्हें निगल गए। इंद्र ने उनकी ठोड़ी पर वज्र मारा जिससे टूटी हनु के कारण उनका नाम हनुमान पड़ गया। घर बालक सो रहा था और मैया कहीं गई थी, कुछ खाने को मिल जाए बालक को भूख लगी थी। कहीं दूर निकलता सूरज बस खाने को फल था जाना, उड़ के हवा में दौड़े इसे मुंह में ले लूठाना। मुख अपना फिर बहुत बढ़ाया सूरज भक्ष लिया था, जब राहू ने कहा ये जाकर इंद्र ने क्रोध किया था। वहां किया था वार हनु पर धरा पे गिर पड़ा था, चले आए फिर वायु देवता पुत्र से प्रेम बड़ा था। हनु के कारण हनुमान बन जग में जाने जाते, पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। श्री हनुमान जी की एक और बाल लीला अत्यंत प्रसिद्ध है भक्तों। एक बार जब उनके मन में भगवान राम के दर्शन की अलग जगी तो भगवान शिव को मदारी बना और स्वयं वानर बन वो भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या चल दिए। आगे की कथा क्या है आइए सुनते हैं भक्तों।
जब नगर अयोध्या आए शिव शंकर बने मदारी वानर का नाच दिखाया खुश हो गई नगरी सारी यूं बोले राम लखन जी ये वानर हमें दिला दो हम वानर संग खेलेंगे अब रस्सी ये पकड़ा दो ये शिव शंकर की लीला कोई जानन वाला जाने वो राम को देखने आए इस बात को राम ही माने सुग्रीव के संग में हनुमत रहते थे संग संग में कब होंगे रघुवर राम के दर्शन रंगे भाव के रंग में सीता खोज में आए रघुवर दास चरण गिर जाते पवन पोत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते बोलो हनुमान की जय बोलो बजरंगी की जय माँ सीता को खोजते खोजते जब राम लखन किष्किंधा के पास पहुँचे तब हनुमान जी से उनका परिचय हुआ हनुमान जी को जब ज्ञात हुआ ये तो उनके आराध्य प्रभु राम हैं उन्हें कांधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले गए और उनसे मैत्री करा माँ सीता के खोज की युक्ति करने लगे बातों में भेद खुला था किस कारण रघुवर आए सीता को ले गया रावण यूं राम लखन दुख पाए मैं चरणों की करूं सेवा यूं कहने लगे हनुमाना कांधे पे बिठा ही लिया था मस्ती में भगत मस्ताना सुग्रीव संग हो गई प्रीति फिर सब सलाम मिलाए हनुमान है बलशाली ये पवन वेग उड़ जाए रघुवर ने मुद्रिका जिस पर राम का नाम लिखा था मैं करूं प्रभु राम के कारज हनुमत प्रसन्न बड़ा था दक्षिण दिशा को उड़ के चले थे मन में ना घबराते पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते बोलो हनुमान की जय बोलो बजरंगी की जय प्रभु राम की मुद्रिका मुख में डाल 100 योजन समुद्र लांग कर हनुमान जी लंका में पहुंचे लंकिनी कुमार लंका में प्रवेश किया विभीषण जी से मैत्री के पश्चात माँ सीता का पता लगाया प्रभु की निशानी दी वाटिका उजाड़ी और रावण के पुत्र अक्षय का भी वध कर दिया भक्तों कभी सूक्ष्म कभी बड़ा सा हनुमत ने रूप बनाया फिर लंका में जा पहुँचे लंकिनी कुमार गिराया जहाँ रखी छुपा के सीता उस जगह का लिया नजारा जब असुरों ने था रोका एक एक को गदा से मारा विभीषण से फिर हुआ था मिलना अशोक वाटिका देखे चरणों में था शीश झुकाया जहाँ माता थी बैठी माता को दे दी अंगूठी संदेश कह के सुनाया वाटिका फिर विध्वंस कर दी असुरों को मार गिराया रावण के पुत्र अक्षय अपनी जान बचाना पाते पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते बोलो हनुमान की जय बोलो बजरंगी की जय रावण की सोने की लंका को राख बनाकर
माँ सीता की चूड़ामणि निशानी लाकर प्रभु चरणों में समर्पित की। सागर पर सेतु बना, राम सेना लंका पहुंची। लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध हुआ जिसमें लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। हनुमान जी रातों रात बूटी ले आए और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए भक्तों। रावण की सभा में पहुंचे, रावण ने आंख दिखाई। लंका को राख बनाया, जब पूंछ में आग लगाई। सीता की चूड़ा मणि ले उड़ के हनुमान जी आए। युद्ध भूमि में लड़े जो योद्धा, लाखों ने प्राण गवाए। राम लखन ने लंका को फिर चारों ओर से घेरा। ऊपर से रावण हंसता पर दिल में घोर अंधेरा। लक्ष्मण को लग गई शक्ति, हनुमान जी बूटी लाए। सूरज उगने से पहले लक्ष्मण के प्राण बचाए। लखन लाल को स्वस्थ देख कर राम प्रभु हर्षाते। पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। अब प्रभु राम और अभिमानी रावण एक दूसरे के समक्ष थे। विभीषण जी के बताने के पश्चात प्रभु राम ने अग्नि बाण से रावण की नाभि का अमृत सुखाया और उसके प्राणों का अंत किया। अब पुष्पक विमान में बैठकर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी अयोध्या वापस आ गए हैं। रावण तो अभिमानी, ना बात किसी के मानी। खुद अपना कुटुंब खपाया, ना पास रही राजधानी। रानी ने था समझाया, पर बात समझ ना पाया। बलवान बड़ी है होनी, था काल शीश मंडराया। विभीषण ने फिर भेद बताया, राम ने तीर चलाया। हो गए थे फिर प्राण पखेरु, धरती से पाप मिटाया। विभीषण हो गए राजा, रावण का फिर अंत हुआ था। अब रघुवर फिर चले अयोध्या, वनवास बीता था। प्रभु राम के सेवक हनुमत सेवक भार उठाते। पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। सारी अयोध्या नगरी ने घी के दीप जला प्रभु का स्वागत किया। भरत जी की खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं था भक्तों। गुरुओं की आज्ञा से प्रभु राम जी का राज तिलक किया गया। माताओं ने आरती की, देश देशांतर के राजाओं ने प्रभु को अनमोल भेंटे दी और हनुमान जी राम चरणों की सेवा कर रहे हैं। फिर लौट अयोध्या आए, सब घी के दीप जलाए। प्रभु राम बने थे राजा, हनुमत ने चरण दबाए। विभीषण अंगद सुग्रीव नल नील जामवंत प्यारे। बहुमूल्य रतन रघुवर ने इन सब के ऊपर वारे। तब रघुवर ने सीता जी को मुक्ता हार दिया था। अनमोल जड़े थे मोती, समझो के प्यार दिया था। लगी सीता फिर मन में सोचने, रामदास को दे दूं। है हनुमत ये खास हमारा, इसी को हार ये दे दूं।
सच्चे दास जो होते हैं वो कभी नहीं ललचाते। पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। लंकापति विभीषण ने माँ सीता को अनमोल रत्नों से जड़ित एक माला भेंट की। माँ सीता ने वो माला हनुमान जी के गले में पहना दी। हनुमान जी एक एक मनके को तोड़कर नीचे फेंकने लगे। ऐसे में सभी दरबारी उनका उपहास उड़ा रहे हैं और हनुमान जी मोतियों में राम को ढूंढ रहे हैं। तब मुक्ता हार सियान ने हनुमत के गले में डाला। हुई भाग्य की बड़ी प्रशंसा, ये हार है बड़ा निराला। सुखदायक चरण कमल ही मेरे हाथों पे रख देंगे। बस इतना मन ही मन में हनुमान जी सोच रहे थे। उलट कर पलट के देखे मुक्ता हार है कैसा। ना देता इसमें तो दिखाई कुछ भी राम के जैसा। वो लगे फिर तोड़ने मोती, मोती तो पत्थर है। ना इसमें सीता राम है, फिर ये क्या चक्कर है। ऐसा दृश्य देख के सभासद आपस में बतियाते। पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। देश देशांतर के राजे रजवाड़े हनुमान जी का कौतुक देख रहे हैं और विभीषण उनके क्रोध का तो कोई ठिकाना नहीं। बोले रे वानर, क्या तुझे पता नहीं ये अनमोल मोती हैं, अनमोल रत्न हैं, इन्हें क्यों तोड़ रहा है। हनुमान जी कहते हैं जिसमें राम नहीं वो माला मेरे किस काम की। प्रभु रामचंद्र मुस्काए, वो सब कुछ जान गए थे। क्यों हनुमत माला तोड़े, मन अपने में मान गए थे। ये वहाँ सभासद जितने लगे काना फूसी होने। ये हनुमत एक बानर है, ना जाने चांदी सोने। ये मोती है अनमोले, ये जिनको तोड़ रहा है। ना देनी चाहिए थी माला, ये जिसे मरोड़ रहा है। कुछ तो बोलो जरा विभीषण, रत्नों में राम नहीं है। जब इसमें प्रभु राम नहीं तो ये मेरे काम नहीं है। तेरी पहाड़ सिकाया मैं क्या, विभीषण पूछना चाहते। पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। विभीषण जी ने उपहास उड़ाते हुए कहा, अरे इन रत्नों में श्री राम कहाँ से आएंगे। और तू यदि राम का इतना बड़ा भक्त है तो क्या तेरे अंदर प्रभु का वास है। यह सुनकर हनुमान जी के नैनों में आंसू भर आए, अपने नाखूनों से हृदय चीरा और राम सीता का दर्शन सबको करा दिया। निश्चय मेरी काया में सिया राम ने डेरा डाला। अपने ही हाथों हनुमत सीने को फाड़ ही डाला। सीने में मनोहर मूर्ति जब सिया राम की देखी। मुँह नीचे हुए सभी के जो बगार रहे थे शेखी।
भीषण जी फिर गिरे चरणों में, देख सभा सद सारे। बीच सभा हनुमत के भक्त गूंज रहे जयकारे। मेरे सतगुरु श्री करण सिंह मुझको भेद बताया, कमल सिंह हनुमत ने भक्त सिया राम ही गाया। जहाँ कथा हो प्रभु राम की हनुमत वहाँ पे आते, पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय, बोलो